गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे प्रवेश अध्ययन की बुक झरोखा में से लेसन नंबर 3 और हमारे लेसन का नाम है आओ मिलकर काम करें। बच्चों ये कुछ चित्र हैं, क्या आप इनको पहचान सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं? एथलीट रेस लगाता है, दौड़ लगाता है, इंजीनियर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, सोल्जर सैनिक देश की रक्षा करता है, डॉक्टर मरीजों की देखभाल करता है, वर्कर कामगार या मजदूर मजदूरी का काम करता है, टीचर पढ़ाता है, डांसर डांस करता है, पोस्टमैन डाकिया चिट्ठियां बांटता है, पुलिसमैन सिपाही चोरों को पकड़ता है और आपसी झगड़ों को सुलझाता है, राइटर लेखक कहानियां लिखता है, बेकर ब्रेड डब रोटी बनाता है, आर्किटेक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नक्शे पास करता है। तो बच्चों ये कुछ काम थे, अब है आपका लेसन मिलकर करें काम, तुकबंदी का खेल। बच्चों देखें, आज कक्षा में हमारी अध्यापिका ने बड़ा मज़ेदार खेल खिलाया। उन्होंने हमें काम शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुकबंदी करने के लिए कहा। बच्चों तुकबंदी क्या होती है? सेम साउंड या जिसकी लय जो है, आखिरी शब्दों की लय जो है एक जैसी हो, उसे हम क्या कहते हैं? तुकबंदी कहते हैं। जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा परिणाम। देखो बच्चों इसमें काम और परिणाम जो है तुकबंदी के शब्द हैं। वाह वाह, कक्षा के सब बच्चों ने तालियां बजाई। फिर तो एक के बाद एक सभी बच्चे तुकबंदियां करके सुनाने लगे। संदीप ने सुनाया, देखो कैसे कैसे काम, काम से ही होता नाम। रजत बोला, घर में काम बाहर काम, कामगारों को सलाम। फिर बच्चों संध्या ने कहा, काम करो भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। बच्चों ऐसे ही आप जो है कुछ लाइनें बनाएंगे जिसमें तुकबंदी की गई हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, तुम भी काम शब्द पर तुकबंदी करो और लिखो। मेहनत से तुम काम करो, जग में रोशन अपना नाम करो। बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने पास से भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है तैयारी स्कूल जाने की। अध्यापिका ने कहा, अब तुकबंदी करना बंद करते हैं। अच्छा बताओ तुम में से कौन कौन स्कूल आने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है और किस किस को मम्मी पापा तैयार करते हैं? नेहा बोली, मैं अपने आप तैयार होती हूँ, बस्ता तैयार करना, कपड़े पहनना, जूते पहनना सब खुद ही करती हूँ। आरती ने कहा, मैं भी तैयार तो अपने आप होती हूँ, लेकिन मेरे बालों की चोटी मेरी माँ बनाती है। वे काम जो तुम खुद करते हो, वे काम जो किसी और की मदद से करते हो। बच्चों आपको यहाँ कुछ काम लिखने हैं, आप स्वयं भी लिख सकते हो। जैसे जो काम आप करते हो, कपड़े पहनना, बस्ता तैयार करना, जूते पहनना, नहाना, और वे काम जो आप किसी की मदद से करते हो, जैसे कंघी करना, आपकी मम्मी कंघी करती है, स्कूल का गृह कार्य करना, बाज़ार से सामान खरीदना, कपड़े खरीदना। नीचे कुछ काम लिखे हैं, तुम ये काम जिस समय करते हो उसे घड़ी में दिखाओ। बच्चों देखें, सुबह उठने का समय जैसे मैंने लिखा है ऊपर, 6 बजे उठते हैं तो आपने 6 बजे का समय दिखाना है घड़ी के अंदर। घर से स्कूल जाने का समय, स्कूल से घर आने का समय, घर में पढ़ाई करने का समय, खेलने जाने का समय, रात को सोने का समय। बच्चों इन घड़ियों के ऊपर समय लिखा गया है, आप अपना समय जो है घड़ी के अंदर दिखाएंगे। बच्चों क्या आप इन चित्रों को पहचान सकते हैं? देखें, देखो बच्चों ये है बिल्डर मकान बनाने वाला, नर्स क्या करती है, रोगियों की देखभाल करती है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, फायरमैन आग बुझाने वाला, पुलिसमैन सिपाही, टीचर अध्यापिका, शॉपकीपर दुकानदार, बस ड्राइवर, पोस्टमैन डाकिया, ये है डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट क्या करता है, हमारे दांतों का इलाज करता है। बच्चों अब है ये दो चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है और पहचानना है कि इसके अंदर औरत क्या काम कर रही है और आदमी क्या काम कर रहा है। देखो बच्चों ध्यान से दोनों चित्रों को, और जो भी आपको इन चित्रों में दिखाई दे रहा है वही वाक्य जो है आपने नीचे आपकी बुक में स्पेस दिया गया है वहाँ आपको लिखना है। जैसे लिखा है फर्स्ट चित्र में, देखो महिला खाना बनाने और कपड़े धोने का काम कर रही है,
और चित्र नंबर दो में है आदमी कपड़े धोने व खाना बनाने का काम कर रहा है। अब नंबर दो पर है आदमी कार चला रहा है, वह बाजार से सामान ला रहा है, महिला बच्चे की देखभाल कर रही है। इधर चित्र नंबर दो में है महिला कार चलाने व सामान लाने का काम कर रही है, आदमी बच्चे को उठा रहा है। नंबर तीन चित्र एक में है आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहा है और मजदूरी कर रहा है। तीसरे नंबर पर है महिला कंप्यूटर चलाने व बोझा ढोने का काम कर रही है। बच्चों इस लेसन का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू बच्चों।